फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हमने जस्ट अभी नाश्ता किया और हम ना नीचे जा रहे थे और एक भैया है, वो ना ढोलक बजाने वाले होते हैं वो, तो उन्होंने बोला कि क्या बोलता है कि चाय दे दो, रोटी दे दो। तो हम लोग फिलहाल अभी चाय और रोटी देने के लिए जा रहे हैं। अब भैया ढोलक बजाएंगे तो हम सब भी ढोलक सुनेंगे। चलो फिर चलते हैं भैया के पास। अंकल ये लो पानी। सकते हैं पीछे अंकल खाना खाते हैं, वो मतलब उनको भूख लग रही थी तो उन्होंने बोला कि आप हमको चाय वगैरह दे सकते हो। फिर हमने बोला अच्छा क्यों नहीं बेचारे, तो फिर हमने उनको खाना दिया। बैठ गई हूँ बालकनी में अपनी, वो अंकल भी चले गए। अब ढोलक बजा के बहुत अच्छे बना रहे थे ढोलक, और जो मैंने आप वीडियो बनाई थी ढोलक की उसके पीछे ना थोड़ा ना ब्लर सा हो गया, पता नहीं क्यों हुआ वो ब्लर। तो आप लोग वीडियो का ब्लर ध्यान में देना, जो अंकल ने ढोलक बनाया उसको देखना, बहुत अच्छा लगा। अब मैं नहाने जा रही हूँ तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, ठीक है? मैं आ चुकी हूँ नहा के मस्त। अब मैं धूप सेक रही हूँ और यहाँ पर मेरी दादी। दादी आप क्या कर रहे हो? मैं घी बना रही हूँ मलाई का। तो मैं आप सभी को बताती हूँ, जो दूध होता है उसके ऊपर जो मलाई होती है ना, हम लोग तब उसका घी बनाते हैं। तो आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। मैं दिखाती हूँ मेरी दादी क्या कर रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम घर में घी कैसे बनाते हैं। ये हमारा जो दूध के ऊपर जो लेयर नहीं होती मलाई, तो दादी ना इसको ना मिक्स करती है। दादी आप एक बार अच्छे से समझा दो हमारे जो फ्रेंड्स हैं कि कैसे कैसे बनाते हो आप मलाई को। फेंट के और फिर घी बनता है। हाँ, ऐसे हम घर का घी बना लेते हैं मलाई का। तो मैं आप सभी को दिखाती रहूँगी, तो आप वीडियो पूरी आखिरी तक देखिएगा। ये देख सकते हैं आप लोग दादी कैसे कर रही है। ये लो चीनी। अब आप लोग सोचोगे कि इसमें हम चीनी क्यों डाल रहे हैं। हम इसमें चीनी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर हम चीनी नहीं डालेंगे ना तो ये बहुत लेट बनेगा। तो हम इसको इसलिए डाल रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमारा बन जाए। दादी आप इसको कितने मिनट तक करोगे अभी ऐसे? बीस मिनट तक। हाँ तो 20 मिनट तक अच्छे से हो जाएगा ना वो, बिल्कुल। तब इसको गलाना पड़ता है चूल्हे में। हाँ वो तो हम आगे दिखा देंगे ना कि कैसे कैसे करना है, बट फिलहाल आप लोगों को इसको 15-20 मिनट तक करना है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट हो चुका है अभी ये। आप लोग देख सकते हैं ये बन चुका है ना दादी, बन गया ये, बन गया। है ना? इसको दादी ने 10 मिनट तक इसको अच्छे से, पूरा 15-20 मिनट तक दादी ने इसको अच्छे से फेटा है। ऐसी फेटना है आप लोगों को भी, अगर आप लोगों को घर में बनाना है घी। बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं हम लोग घर में। अब मैं आपको इसके बाद बताती हूँ कि इसके बाद हम लोग क्या स्टेप करते हैं। ये पहला स्टेप तो ये हो चुका है, अब दूसरे स्टेप बताती हूँ मैं आप सभी को। आप लोग देख सकते हैं दादी ने जो मिक्स करा था, जो उसका जो पानी था, जो एक्स्ट्रा पानी था, दादी उसको अब नहीं कर रही यूज़, और ये निकल चुका है। आप लोग देख सकते हैं अब इसका ही घी बनेगा। देख लो आप सब भी, पास से दिखाती हूँ मैं। ये रहा जो एक्स्ट्रा मलाई थी, ख़राब मलाई, दादी ने निकाल दिए और इसको जो फेटा है ये आ चुका है। अब दादी इसको क्या करना है? अब इसको चल अंदर किचन में चलते हैं अब हम लोग। आप लोगों ने देख दिया हो कैसे कैसे करना है। जो दूध की जो मलाई होती है उसको पहले अच्छे से फेंटना है। हम लोगों ने उसमें चीनी डाली थी कि जल्दी जल्दी हो जाए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो मलाई थी वो हम लोगों ने साइड कर दिया। अब हम लोग जा रहे हैं किचन में, आपको उसके आगे का स्टेप दिखाते हैं। करते रहो अपने आप घी बनता है। अच्छा, ये मलाई को अब थोड़ी देर तक खींचते रहना है, इसको खिटाते रहना है। इसको अच्छे से खिटाना है, फिर उसके बाद इसका खुद बन जाएगा घी। तब इसका खुद बन जाएगा घी। तो आप लोग देख सकते हैं इसको ऐसे ऐसे करना है।
घुमाते रहना क्या दादी इसको या खुद होता रहेगा? हाँ खुद होता रहेगा, तो इसको 15-20 मिनट तक छोड़ देना है, तब ये खुद होगा। तो मैं आप सभी को 15-20 मिनट के बाद बताती हूँ कि कैसा बनता है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे देखने के लिए आ गई थी कि कितना बना है ये। यहाँ पे हमारा घी होने वाला है रेडी, कितने अच्छे से हो चुका है। होममेड घी खाते हैं हम लोग, एकदम प्योर घी। अब ये 5 मिनट के बाद बनने वाला है, तो तब मैं आप सभी को आगे का दिखाती रहूँगी कि कैसे कैसे बनता है हमारे यहाँ घी। ये घी दादी बनाती है हमारी। फाइनली हमारा घी बनने वाला है, आप लोग देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से मेरी दादी ने यहाँ पे आप सभी को रेसिपी बताई कि घी कैसे बनाते हैं घर में। हम लोग घर में घी ऐसे ही बनाते हैं और बहुत अच्छा घी बनता है, तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। मेरी दादी की रेसिपी बहुत सिंपल है, मैंने भी एक बार बनाया था तो बहुत अच्छा बना था मेरे से भी, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बन चुका है हमारा घी। ये जो एक्स्ट्रा जो ये निकला है इसको मतलब मलाई है ना दादी, मलाई का मसाला है, मतलब काफ़ी लोग इसको खाते भी है बट हम लोग नहीं खाते, हम लोग साइड कर देते ना, गला भी बैठ जाता है ना, है ना। आज इस बार हमारा थोड़ा सा ही बना, इतने में ही बना ना दादी, तो 5 दिन का है ना। अच्छा 5 दिन का है। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे 5 दिन की जो मलाई थी उसी का घी बन चुका है। अब काफ़ी है ना दादी 5 दिन का भी, बिल्कुल सही है। हाँ फिर जमा हो रहा है। हाँ अब जैसे जमा जमा होता रहता है हमारा मलाई, तो हम फिर जैसे आप लोगों ने देखा वैसे ही हम बना देते हैं, फिर घर का घी खाते हैं फिर हम लोग। मैं आप सभी को दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा बन चुका है एकदम घी हमारा। तो आप लोग भी घर में इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये, बता दिए। ठीक है। हाँ 5 दिन का घी, प्योर घी है। हाँ एकदम प्योर घी है घर का। चलिए हमारा बन चुका है घी घर का, बस एक चीज बन गई हमारी घर की। चलो हम लोग चलते हैं मम्मी के साथ। मम्मी क्या कर रही है, आ जाओ बाहर में। मम्मी क्या कर रही, मम्मी पालक का एकले साफ कर रही है। धबड़ी घर के है ना, ये हाँ खेत के है ये। हमारे पैसे बच जाते हैं, हम खेत की एकदम प्योर सब्जी खाते हैं। हाँ मेथी भी है, पालक भी। मैं आप सभी को दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी साफ कर करके यहाँ पे थाली में रख रही है। और ये रहे पालक और मेथी, ये मेथी के परांठे भी बनते हैं ना मम्मी। पालक ही हम लोग धबड़ी खाएंगे। अरे आप सभी को मैं इसकी रेसिपी भी बता दूंगी कि कैसे बनाते हैं हम लोग ये धबड़ी। मेरी मम्मी चली गई है नहाने के लिए, तो मेरी मम्मी आप लोगों को रेसिपी बताएगी इसकी, तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा। आ चुकी है मेरी मम्मी। अच्छा पालक, अच्छा दिन में पालक ही पालक है बस। पालक ना रखे, बाल गीले हो रखे मेरे। मैं गोरी कब होंगी, कब आएगा वो दिन? से काली थी। तो फ्रेंड्स मैं काली हूँ क्या? देख सकते हैं इतनी काली भी नहीं हूँ मैं, मेरी मम्मी गोरी है देख सकते हैं आप लोग। मैं मम्मी के साथ वीडियो बनाती हूँ, मेरे को लगता है मम्मी कैसे चमक रही है। चमू मम्मी थोड़ी देर यहाँ पे धूप में बैठ रखी है, मैं भी मस्त करके बैठ रखी हूँ। मैं अपने बाल सुखा रही हूँ, मम्मी कह रही हूँ मैंने बाल सुखा रही हूँ। बाल कितने अच्छे मेरे बाल। पूरी मेहंदी लगा रही मम्मी अपने बालों में, तब कर रखे मम्मी ने अपने बाल अच्छे अच्छे हैं मेरे बाल सफेद। हाँ आप तो सारे के सीखे ही है कही मम्मी, होता है होता है। तो फ्रेंड्स आज गई, तो फ्रेंड्स आज मेरी मम्मी आप सभी को क्या मम्मी बोली जा रही है, देख रहे धूप। और आज मेरी मम्मी बना रही है पालक और चावल, तो मैं आप सभी को आज पालक की धबड़ी की ना, पालक की धबड़ी की रेसिपी बताऊंगी कैसे बनाती है। और एक रेसिपी तो आप लोगों ने देखी दी होगी कि घर में घी कैसे बना सकते, बहुत ही सिंपल है। अब मेरी मम्मी आप सभी को रेसिपी बताएगी। अब दिन के बज रहे हैं 1, तो
तो मम्मी बनाएगी खाना। चलो फिर आप भी हमारे साथ आज मम्मी किचन में, मम्मी आप सभी को आज रेसिपी बताएगी। मैं पहुंच चुकी हूँ किचन में, अब मेरी मम्मी यहाँ पे बनाएगी पालक की धवड़ी। चलो देखते हैं मम्मी कैसे बनाती है। यहाँ पे पहले जो हमने पालक थे ना, उसको पहले हमने बॉईल कर चुके थे, अब मम्मी इसको करेगी ग्राइंड। चलो देखते हैं। मम्मी एकदम शांत हो रखी है, मम्मी का भी काम पे ध्यान है अभी, है लाइट। मजा आता है जब ये बचता है। हो गया, बस हम मम्मी कैसे कैसे बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं खाना। तो मम्मी बना रही है पालक की धबड़ी, आप लोग भी देख लीजिए मम्मी कैसे कैसे बनाती है। ये पालक घर की है हमारे, जो इसमें आज हमने यूज करे है, खेत के हमारे जीरा जख्या दोनों चीज डाल दिए मम्मी ने। अब इसके बाद देखते मम्मी क्या क्या करती है। मेरी मम्मी डाल रही है प्याज और मिर्ची, देख सकते हैं आप लोग मम्मी ने कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे काट रखे है। इसके बाद मम्मी पालक डालना है ना, बस बन गया नमक मिर्च और पालक। बट आप लोग देखते रहिए कैसे कैसे बना रही मम्मी रेसिपी। मम्मी किचन है ना मम्मी है मम्मी किचन। और मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा हींग भी डाल दी है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हल्का ब्राउन होने देंगे हम प्याज को। और जो मम्मी ने ये पालक ग्राइंड कर रखा है, इसके साथ ही मम्मी ने टमाटर भी ग्राइंड कर चुका था, तो वो दोनों आपस में हो चुके हैं ग्राइंड। अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं मम्मी क्या क्या करती है इसमें। ये डाल चुका है इसमें पालक, बस अब ये बन चुका है। इसमें डालना है नमक और मिर्च, है ना मम्मी, देख सकते हैं आप लोग ये मम्मी ने नमक और मिर्च डालने लग गई है मम्मी। अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं कि आपको कैसे खाना है, बाकी बहुत सिंपल है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। यही मम्मी टेस्ट करने के लिए ना, हाँ थोड़ा अलग टेस्ट करने के लिए मेरी मम्मी ने इसमें ना थोड़ा आलू भी डाल दिया था और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था हमने उसके बाद, आप लोग देख सकते हैं। और ये फिर 10 मिनट के बाद होने वाला है रेडी, तो मैं आप सभी को भी 10 मिनट के बाद बताती हूँ कि कितना बना है। देखते हैं कि पालक बना है कि नहीं बना है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा पालक बन चुका है। आज हम लोग खाएंगे पालक, आप लोग भी आ जाइए। इसे मम्मी ने आलू भी डाल चुका था, अब इसे आलू से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मम्मी सब कुछ नया नया ट्राई करती रहती है। और हमारा भात भी बन चुका है, अब हम थोड़ी देर के बाद खाएंगे खाना। हाँ बन गया, दबे आओ। हाँ आ रही हूँ मम्मी, पहले तू ही रख ले। दबड़ी और भात और रोटी। तो फ्रेंड्स अभी मैं खाना खा लेती हूँ, मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। चलो मम्मी रख रही है पहले अपने के लिए, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा बना रखा है मम्मी ने, टेस्टी। पत्ता गोभी भी है तो फ्रेंड्स मैं खा लेती हूँ, मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। मैंने खा चुका है खाना, बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा था, पालक की धबड़ी बनाई थी मम्मी ने। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय।